रांची में सेना के जवान की पत्नी से दुष्कर्म, पति करता है देश की सुरक्षा पर पत्नी घर में सुरक्षित नहीं। रांची में एक सेना के जवान की पत्नी के साथ चार युवकों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पति लद्दाख में पोस्टेड है और पत्नी रांची के नामकुम में रहकर अपना घर बनवा रही है। पीड़िता के दो बच्चे हैं। घटना 27 मई की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई। पीड़िता निर्माणाधीन घर में अपने 7 साल और 4 माह के बच्चे के साथ रह रही थी। बताया गया कि 27 मई की रात 12 से 1 बजे के बीच चार युवकों ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला के मुताबिक रात में लाइट कटी हुई थी, वह पानी लेने निकली थी कि दो युवक जबरन उसके घर में घुस गए। इसके बाद युवकों ने उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर शोर मचाया तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। इसके बाद दोनों युवकों ने अन्य दो युवकों को बुला लिया और घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने महिला के कपड़े फाड़े और उसके मोबाइल भी तोड़ दिए। घटना के पीछे की वजह बताया जा रहा है कि जिस जगह पर वह घर बन रहा है वहां के कुछ स्थानीय युवकों का कहना था कि हम लोग स्थानीय हैं, ऐसे में घर बनाने का ठेका हमें दिया जाए। काफी विवाद के बाद सेना के जवान ने युवकों को ठेका भी दे दिया था, लेकिन निर्माण के दौरान गड़बड़ियों की वजह से मकान बनाने का ठेका वापस ले लिया। इस वजह से युवक नाराज थे। आशंका है कि उन्हीं युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। महिला द्वारा दिए गए आवेदन पर FIR दर्ज होने के बाद ग्रामीण SP, DSP और नामकुम थाना प्रभारी पीड़िता से मिले और मामले की पूरी जानकारी ली। घटना की जानकारी होने के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने कुछ संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लिया है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार NEET UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स 10 जून से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम 7360006191।